तुम्हें किसी गलत बात पे कुछ कहूं या डांटूं तो तुम टोक सकती हो मुझे? मैं नहीं टोक सकती। क्यों? बीवियों को शौहर की हर बात पे चुप रहना पड़ता है ना। और अम्मी ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम खाना कमरे में लेके जाओ, दोनों बैठ के खाना खाओ। उनका हुक्म तो मना नहीं कर सकता ना। सो या अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी भूखा रहूंगा। वैसे मैंने ट्राई किया था नीचे, बहुत मजे का है, खा के चेक कर। रियली गुड, खाओ ना। अच्छा जन्नत, तुम्हें पता है मैं दो नौकरियां क्यों करता हूँ? क्यों? किरण की शादी पे ना लोन लिया था, फिर उसके बाद हमारी शादी और अब अम्मी की बीमारी, इस वजह से। मुझे पता है आप कर सकते थे, और आपने किया भी। अच्छा जन्नत, अगर मैं तुम्हें किसी गलत बात पे कुछ कहूं या डांटूं तो तुम टोक सकती हो मुझे? मैं नहीं टोक सकती, क्यों? क्योंकि बीवियों को शौहर की हर बात पे चुप रहना पड़ता है ना। और ये लॉजिक किसने दिए तुम्हें? तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूं जन्नत? मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो, मेरी ढारस बनो, मेरी हिम्मत बनो। तो क्या मुझे भी जॉब मिल सकती? क्यों? थैंक मैं भी साथ देना चाहती हूँ आपका। यू, थैंक यू फॉर द कंसर्न जन्नत, लेकिन यकीन जानो मेरा, इस तरह साथ देने का मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि अगर मैं कभी परेशान हूँ, सेट हूँ, या तुम्हें बिला वजह डांट दूँ तो तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। समझ आया करो कि मैं घर की किसी बात की वजह से परेशान होऊंगा, बस यही। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। खाना तो खाओ। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।